नमस्कार दोस्तों, मैं क्लब एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने CUDIP चैनल पर। दोस्तों, अगर हमने कोई भी फोन लेना हो, हमारा बजट चाहे कुछ भी हो, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि मोबाइल को पसंद करना कि कौन सा मॉडल सही रहेगा हमारे लिए और कौन सी कंपनी सही रहेगी, क्योंकि हमारा बजट कुछ भी हो, हमारे पास ऑप्शन ही बहुत है आजकल के जमाने में। तो दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहे क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 फोन अंडर 15,000। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में जो 10वें नंबर पर फोन आता है वो है ओनर का 10 लाइट। इसमें आपको मिल जाएगा किरिन 710, साथ में आपको मिल जाएगी 4GB की रैम। और डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको मिल जाएगी 6.2 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले। और दोस्तों, इसमें आपको पीछे की तरफ ड्यूल कैमरा मिल जाएगा, एक 13 मेगापिक्सल का और दूसरा 2 मेगापिक्सल का। और इसके अलावा आपको सेल्फी के लिए एक बड़ा अच्छा कैमरा मिल रहा है इसमें 24 मेगापिक्सल का। और इसके अलावा आपको इसमें 3700mAh की बैटरी मिल जाएगी। और कीमत की बात करें, ये फोन आपको मिल जाएगा 12,000 रुपए में। और दोस्तों, जो 9वें नंबर पर आता है वो है सैमसंग का M2060 4GB वाला वेरियंट। इसमें आपको मिल जाएगा सैमसंग का ही प्रोसेसर, साथ में आपको मिल जाएगी 4GB की रैम। और इसमें आपको मिलेगी 6.3 इंचेस की TFT डिस्प्ले। और कैमरा की बात की जाए, इसमें आपको ड्यूल कैमरा मिल जाएगा, एक 13 मेगापिक्सल का और दूसरा 5 मेगापिक्सल का। और सेल्फी के लिए भी आपको एक ठीक ठाक कैमरा मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल का। और इसके अलावा आपको इसमें एक बड़ी अच्छी बैटरी मिल रही है 5000mAh की, साथ में आपको इसमें फास्ट चार्जिंग का स्पॉट भी मिल जाएगा। और ये फोन आपको मिल जाएगा 11,990 रुपए में। और दोस्तों, जो 7वें नंबर पर आता है वो सैमसंग का ही आता है M30। इसमें आपको मिल जाएगी 4GB की रैम और इसके अलावा आपको इसमें 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी डिस्प्ले है। और आपको पीछे की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा मिल जाएगा, 13 मेगापिक्सल का, दूसरा 5 मेगापिक्सल का, तीसरा अगेन 5 मेगापिक्सल का। और फ्रंट सेल्फी के लिए आपको इसमें मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का। और इसमें अगेन एक बड़ी अच्छी बैटरी मिल रही है आपको 5000mAh की और साथ में क्विक चार्जिंग की स्पॉट भी मिल जाएगी। और ये फोन आपको मिल जाएगा 14,990 रुपए में। और दोस्तों, हमारी लिस्ट में जो 6वें नंबर पर आता है वो है Realme 2 Pro। इसमें आपको मिल जाएगा Snapdragon 660, साथ में आपको मिल जाएगी 4GB की रैम और इसमें आपको मिल जाएगी 6.3 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले। और पीछे की तरफ आपको इसमें ड्यूल कैमरा मिल जाएगा, 16 मेगापिक्सल का, दूसरा 2 मेगापिक्सल का। और सेल्फी के लिए भी आपको एक अच्छा कैमरा मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का। और इसमें आपको 3500mAh की बैटरी मिल जाएगी। अगर कीमत की बात करें, इसकी कीमत है 11,000 रुपए। दोस्तों, जो 5वें नंबर पर फोन आता है वो है Asus का Zenfone Max Pro M2। इसमें आपको मिल जाएगा Snapdragon 660, साथ में आपको 4GB की रैम मिल जाएगी और इसके अलावा आपको इसमें 6.26 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले मिल जाएगी। और अगर कैमरा की बात की जाए, इसमें भी आपको पीछे की तरफ ड्यूल कैमरा मिल जाएगा, जो प्राइमरी कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का और इसके साथ ही आपको मिल जाएगा 5 मेगापिक्सल का। सेल्फी के लिए भी आपको मिल जाएगा 13 मेगापिक्सल का कैमरा। और इसकी बैटरी की बात की जाए, इसमें आपको बैटरी बहुत अच्छी बैटरी मिलेगी, इसमें आपको मिलेगी 5000mAh की बैटरी। ये फोन आपको मिल जाएगा 11,999 रुपए में। दोस्तों, हमारे लिस्ट में जो 4थे नंबर पर फोन आता है वो है Huawei का Y9। इसमें आपको मिल जाएगा Kirin 710 और इसके अलावा 4GB की रैम मिल जाएगी और इसमें आपको मिलेगी 6.5 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले। और दोस्तों, अगर इसके कैमरा की बात की जाए, इसमें आपको पीछे की तरफ ड्यूल कैमरा मिलेगा, एक 13 मेगापिक्सल का और दूसरा 2 मेगापिक्सल का। और इसके फ्रंट पे भी आपको ड्यूल कैमरा मिल जाएगा, एक 16 मेगापिक्सल का और दूसरा 2 मेगापिक्सल का। और इसके अलावा आपको इसमें 4000mAh की बैटरी मिल जाएगी, साथ में आपको फास्ट चार्जिंग का स्पॉट भी मिल जाएगा। और ये फोन आपको मिलेगा 12,990 रुपए में। और दोस्तों, हमारी लिस्ट में जो 3rd नंबर पर आता है वो है Xiaomi का Redmi Note 7 Pro। इसमें आपको मिल जाएगा Snapdragon 675, साथ में आपको मिल जाएगी 4GB की रैम और इसमें आपको मिल जाएगा 6.3 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले। और इसमें आपको एक बहुत बड़ा कैमरा मिल रहा है, एक 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है पीछे की तरफ, साथ में आपको मिलेगा एक 5 मेगापिक्सल का कैमरा। और आपको इसमें मिल जाएगा सेल्फी के लिए एक 13 मेगापिक्सल का कैमरा और इसमें आपको मिलेगा 4000mAh की बैटरी, साथ में आपको क्विक चार्जिंग का स्पॉट भी मिल जाएगा। अब अगर कीमत की बात करी जाए, ये फोन आपको मिलेगा 13,999 रुपए में। और दोस्तों, हमारी लिस्ट में जो 2nd नंबर पर फोन आता है वो है Honor Play। इसमें आपको मिल जाएगा Kirin 970 का प्रोसेसर, साथ में आपको मिल जाएगी 4GB की रैम और इसमें आपको मिल जाएगी 6.3 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले। और अगर कैमरा की बात की जाए, इसमें आपको मिल जाएगा पीछे की तरफ ड्यूल कैमरा, एक 16 मेगापिक्सल का, दूसरा 2 मेगापिक्सल का। और सेल्फी के लिए भी आपको इसमें मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का कैमरा। और इसमें आपको मिल जाएगी 3750mAh की बैटरी, साथ में आपको फास्ट चार्जिंग का स्पॉट भी मिल जाएगा। और ये फोन आपको मिलेगा 14,999 रुपए में। और दोस्तों, हमारी लिस्ट में जो 1st नंबर पर फोन आता है वो है Realme 3 Pro। इसमें आपको मिलेगा Snapdragon 710, साथ में आपको मिल जाएगा
4GB की रैम और इसमें आपको मिल जाएगी 6.3 इंच की IPS LCD डिस्प्ले और इसमें आपको ड्यूल कैमरा मिल जाएगा पीछे की तरफ एक 16 MP का दूसरा 5 MP का और फ्रंट सेल्फी के लिए आपको इसमें एक अच्छा खासा कैमरा मिलने वाला है 25 MP का और इसके अलावा आपको इसमें मिल जाएगा 4045 mAh की बैटरी साथ में आपको वॉक चार्जिंग 3 की ऑप्शन मिल जाएगी। और अगर इसकी कीमत की बात करी जाए इसकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन आई थिंक आप वहां तक जा सकते हो। ये फोन आपको मिलेगा 15,990 रुपए में। तो दोस्तों ये है आपके पास कुछ 10 ऑप्शन अगर आपका बजट है 15,000 रुपए। आपको इनमें से कौन सा फोन पसंद है या आप कौन सा फोन लेना वाले हो या कौन सा फोन लेना चाहते हो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करना और जिसने भी ये फोन लेने हैं जिसका बजट है 15,000 रुपए उसके साथ जरूर शेयर करो। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों आप मिलते हैं और ही ऐसी नई वीडियो के साथ और नए फोनों के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा।